अस्सलाम वालेकुम, हम सीख रहे हैं इंग्लिश और टर्किश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से अंत्याय आसान तरीके से। लेसन नंबर है 15। हम सीख रहे हैं एक्यूजेटिव, तो चलते हैं देखते हैं क्या लेसन है आज। विच ऑफ दिस इज़ लेमन, इनमें से लेमन कौन सा है। लेमन को हम क्या कहते हैं, लीमू। तो लेमन को हम टर्किश में क्या बोलेंगे, लेमन। लेमन आगे बढ़ते। विच ऑफ दिस इज सॉल्ट, इनमें से सॉल्ट कौन सा है। सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, नमक। तो सॉल्ट को हम टर्किश में क्या बोलेंगे, तुस। तुस। आगे बढ़ते। किस लेमनो यार, किस लेमनो यार, इसके माने होते हैं लड़की, लड़की लेमन खाती है या लड़की लीमू खाती है। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को, द गर्ल ईट्स द लेमन, लड़की लीमू खाती है। आगे बढ़ते। विच ऑफ दिस इज मिल्क, इनमें से मिल्क कौन सा है। मिल्क को हम क्या कहते हैं, दूध। तो मिल्क को हम टर्किश में क्या बोलेंगे, सुत। सुत। आगे बढ़ते। बैन सुयो वे सुतु इचेरम, बैन सुयो वे सुतु इचेरम, इसके माने होते हैं मैं पानी और दूध पीता हूँ। मैं पानी और दूध पीता हूँ, इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में, आई ड्रिंक द वाटर एंड द मिल्क, मैं पानी और दूध पीता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सिस सुयो इचार्सिनिस, इसके माने होते हैं आप पानी पीते हैं, आप पानी पीते हैं, इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में, यू ड्रिंक द वाटर, आप पानी पीते हैं। आगे बढ़ते। सिस तुजु यार्सिनिस वे सुयो इचार्सिनिस, सिस तुजु यार्सिनिस वे सुयो इचार्सिनिस, इसके माने होते हैं आप नमक और पानी, आप नमक खाते हैं और पानी पीते हैं, आप नमक खाते और पानी पीते हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे जुमले को, यू एट द सॉल्ट एंड ड्रिंक द वाटर, आप नमक खाते हैं और पानी पीते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से ईट, ईट को आप कैसे कहते हैं, ईट के माने होते हैं खाना। तो ईट को हम टर्किश में क्या बोलेंगे, यार्सिनिस। यार्सिनिस। आगे बढ़ते। आई ड्रिंक द वाटर एंड द मिल्क, इसके माने होते हैं मैं पानी और दूध पीता हूँ, मैं पानी और दूध पीता हूँ, इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम टर्किश में। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, बैन सुयु वे सुतु इचेरम, बैन सुयु वे सुतु इचेरम, मैं पानी और दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक द वाटर एंड द मिल्क। आगे बढ़ते। पेयर मैच करते हैं, यू के माने होता है तुम या आप, तो तुम या आपको टर्किश में बोलेंगे, सेज। टी के माने होता है चाय, तो चाय को हम टर्किश में बोलेंगे, चाहिए। चाय। सॉल्ट के माने होता है नमक, तो नमक को हम टर्किश में बोलेंगे, तुज। ऑयल, ऑयल के माने होता है तेल, तो तेल को हम क्या बोलते हैं टर्किश में, या है। चीज़ के माने होता है पनीर, तो पनीर को हम क्या बोलते हैं स्पेनिश, उसमें टर्किश में, सॉरी, पेनीरे। पनीरी। आगे बढ़ते। यू ईट द लेमन, इसके माने होते हैं आप लीमू खाते हैं, आप लीमू खाते हैं, इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम टर्किश में। सही ट्रांसलेशन है ये वाली, सेज लेमनो यार्सिनिस, सेज लेमनो यार्सिनिस, आप लेमन लीमू खाते हैं, यू ईट द लेमन। आगे बढ़ते। द गर्ल ईट्स द लेमन, इसके माने होते हैं लड़की लीमू खाती है, लड़की लीमू खाती है, इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम
टर्किश में द गर्ल को किस तरह बोला जाएगा? किस? एड्स को क्या बोलेंगे? एड्स द लेमन को किस तरह बोला जाएगा? लिमोन। Yersiniz. Kız lemonu. Yersiniz. Yer. Kız lemonu yar. Ladki limo khati hai. The girl eats the lemon. Aage badhte. You drink the milk. Iske maane hote hain aap doodh peete hain. आप दूध पीते हैं, इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम टर्किश में? यू को क्या बोलेंगे? Sütü. İçersiniz. You drink the milk. इसको इस तरह लिखा जाएगा sütü içersiniz. आप दूध पीते हैं, यू ड्रिंक द मिल्क. तो ये तो था आज का लेसन. अगले लेसन में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.